मिजोरम ही इससे पहले एक ही स्टेट था जिसमें भाजपा का कमल कभी नहीं खिला। इस बार आउट ऑफ 40 एमएलए सीटे एक ही बीजेपी है, वो मैं हूँ सिंगल। इसलिए 2023 को एक से पहले दो डालना है, 21 होना है कम से कम। 2023 में फिर असेंबली इलेक्शन होने वाला है, फिर भी ठीक है। अभी तो दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसलिए अभी तो हमको लगता है कांग्रेस के बारे में तो कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। कांग्रेस का नींद भी उड़ गया, होश भी उड़ गया। अभी जो है आम आदमी पार्टी का साथ ही होगा जो होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में तो हमको इतना कुछ बोलना नहीं है। एक ही मैं एग्जाम्पल देता हूं, जिसका शोर पर आके केजरीवाल जी ने खड़े हुए चीफ मिनिस्टर पोस्ट तो गया है, अन्ना हजारे जी का कृपा से आया, लेकिन अब 5 साल तक ऐसा कोई मंच में मैं नहीं देखा जो दो आदमी मिलके बैठा, जो चीफ मिनिस्टर गुरुजी को नहीं पहचानता है वो शिष्यों को कैसे पहचानेंगे बोलिए। आप लोग वोट देंगे बैठाएंगे तो पहचानेंगे क्या? नहीं, तो अन्ना जी को नहीं पहचानते, आप लोग को स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का आदमी को कैसे पहचानेंगे? इसलिए मैं चाहता हूं यूनिफॉर्मिटी आ जाए। भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी है तो दिल्ली में भी भाजपा का ही चीफ मिनिस्टर अगर बने तो हम लोग सेंट्रल मिनिस्ट्री में ही नहीं ऑफिस करना है। दिल्ली सेक्रेटरियत में भी हम लोग को ऑफिस पकड़ना है, ऑफिस में आना है। इसलिए मैं विनती करता हूं मेरा नॉर्थ ईस्ट का जितना भाई और बहन है, कुछ पहले मेरा एक वक्ता ने बोला यहाँ 10 लाख का आसपास नॉर्थ ईस्ट से आदमी है, यहाँ वोटर्स है। मैं उम्मीद करता हूं वो 10 लाख जो वोटर्स है सारे नॉर्थ ईस्ट का, हमको नहीं लगता है कि वो आप में देंगे या कांग्रेस में देंगे, सब भाजपा में ही वोट डालना है। स्पेशली हम लोग का नॉर्थ ईस्ट से जितना है मेरा चाकमा भाई और बहन मेरा दोस्त जितना है, मैं सबको विनती करता हूँ भाजपा में ही वोट डालना है। यह चाकमा का वोट 150 से 200 के आसपास है, एग्जैक्ट फिगर तो मालूम नहीं है, लेकिन मिनिमम 150 मैक्सिमम 200 इसे नॉर्थ ईस्ट से चाकमा लोगों का वोटर्स है यहाँ। इसलिए मैं उन लोग को भी विनती करता हूँ, और नॉर्थ ईस्ट का जितना हम लोग का है 7 सिस्टर्स प्लस 1 ब्रदर इंक्लूडिंग सिक्किम, ये 8 स्टेट मिलके जितना वोटर है, दिल्ली में जो 8 तारीख को चुनाव होने वाला है उसमें सब भाजपा को डालना है, ये उम्मीद रख के मेरा वादे खत्म करता हूँ। सबको वीर एक बार धन्यवाद।